कल नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण हो गया और आज मंत्रियों पर विवादों का ग्रहण लगना भी शुरू हो गया। पुराने घोटाले में नीतीश के शिक्षा मंत्री मेवालाल विपक्ष के आरोप में घिरने लगे हैं तो दोनों नए डिप्टी सीएम अपने पुराने बयानों से विवाद में आ गए। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही विवादों की भी शुरुआत हो गई है। डिप्टी सीएम बने तारकिशोर का ये वीडियो वायरल है। स्वाभाविक है, विगत 15 वर्षों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार सुशील नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार सुशील नरेंद्र मोदी। दूसरे डिप्टी सीएम रेणु देवी का भी वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है। 20,020 हो गए, 20,020 हो गए। वैसे तो जुबान किसी की भी फिसल सकती है, लेकिन बिहार के चुनाव में तेजस्वी की मेरिट को मुद्दा बनाकर एनडीए के नेताओं ने हमला किया था, तो अब पलटवार की बारी तेजस्वी की पार्टी की थी। स्वाभाविक है, विगत 15 वर्षों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार सुशील नरेंद्र मोदी। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पुराने वीडियो वायरल हैं तो शिक्षा मंत्री बने जेडीयू के विधायक मेवालाल चौधरी के खिलाफ करप्शन का जिन जिंदा हो गया है। लालू यादव की पार्टी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर घेरा है। मेवालाल पर कृषि विश्वविद्यालय में वीसी रहते हुए नियुक्ति में घोटाले का आरोप है। हालांकि मंत्री जी आरोपों को गलत मानते हैं। जो शिक्षा की हालत है वो किसी से अछूता नहीं है। पहले अगर आरोप लगते रहे कि बदतर स्थिति थी, तो अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है शिक्षा विभाग में। एक तो शिक्षकों की नियुक्ति का घोटाला जिसको बार बार चर्चा हो रही है, आपसे भी सवाल किए गए हैं, इसको कैसे आप इसको कैसे देखते हैं और क्या कुछ आप ठीक करना चाहेंगे? बात से आपसे बिल्कुल सहमत नहीं है। बिहार में शिक्षा की हालत बहुत अच्छी है। हम आपको इसलिए कह रहे हैं, स्टैटिकली आप देखें, अगर कंपेयर करें लास्ट 15 ईयर से और आज का जो स्टेटस है शिक्षा का, स्टार्ट फ्रॉम द हायर एजुकेशन। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का तो आरोप है कि मेवालाल की पत्नी पूर्व विधायक नीता चौधरी की पिछले साल हुई संदिग्ध मौत के तार नियुक्ति घोटाले से जुड़े हो सकते हैं। इस मामले की जांच के लिए अमिताभ दास ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। हालांकि मेवालाल कहते हैं कि वो इस मामले को लेकर अमिताभ दास को कानूनी नोटिस भेजेंगे। मेवालाल के दावों से अलग एबीपी न्यूज ने 4 साल पहले जनवरी 2016 में इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। मेवालाल भागलपुर की जिस कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति थे, वहाँ 2012 में कृषि वैज्ञानिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी थी। 2012 में 281 पदों के लिए विज्ञापन निकला। परीक्षा के बाद 166 लोगों की नियुक्ति हुई थी। उस वक्त मैं खुद भागलपुर के सबौर यूनिवर्सिटी में मामले की जांच के लिए गया था, जहां मुझे जानकारी मिली थी कि भर्ती में घोटाला हुआ है। जिन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई थी उन्होंने ही मुझे पूरी जानकारी भी दी थी। बाकायदा इसके बाद आरटीआई से जो जानकारी आई उसने ये सबूत दे दिए कि भर्ती में घोटाला हुआ है। खुलासा हुआ कि जिसे कम नंबर मिले उसे पास कर दिया गया और जिसे ज्यादा नंबर मिले उन्हें फेल कर दिया गया। अब मामला उछला है तो बीजेपी भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करने की बात कह रही है। कोई तरह का भ्रष्टाचार, चाहे नीचे के स्तर पर हो चाहे ऊपर के स्तर पर हो, यह बिल्कुल ही इस नई सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो मंत्री हैं, जो एनडीए के मंत्री हैं, वह एक उदाहरण इस बिहार के सामने प्रस्तुत करेंगे। विश्वविद्यालय कैंपस में अश्लील डांस करवाने को लेकर मेवालाल विवादों में आ चुके हैं। 2015 में विधायक बनने से पहले तक मेवालाल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे थे। घोटाले के खुलासे के बाद मेवालाल को
जेडीयू ने निकाल दिया था, लेकिन इस बार फिर से मुंगेर की तारापुर सीट से जीतकर वो विधायक बने हैं और अब शिक्षा मंत्री बनाए जाने की वजह से चर्चा में आ गए। ABP News आपको रखे आगे।